नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। इस वक्त की बड़ी और एक अहम खबर आपको बता दें। एक तरफ जहां भगवान श्री रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में सोमवार को विराजमान होने जा रहे हैं, पूरा देश प्रदेश इस समय खुशी मना रहा है। इस खुशी के माहौल को देखते हुए अयोध्या के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में दो डिलीवरी महिलाओं का मामला प्रकाश में आया है। देखिए ये रिपोर्ट, जहाँ दोनों महिलाओं की आज प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी करने के लिए भर्ती हुई थी, लेकिन उन्होंने आज डिलीवरी करने की वजह कल भगवान राम की प्रतिष्ठा को लेकर डिलीवरी करने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, भगवान श्री राम जी कल अपने मंदिर में प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, उसी के दिन हम चाहते हैं कि हमारी डिलीवरी भी हो। वहीं डॉक्टर सुशीला ने बताया कि दोनों गर्भवती महिला यहां पर भर्ती हैं और आज डिलीवरी का समय था, लेकिन उन दोनों की इच्छा थी कि कल ही शुभ दिन है, हमारे बच्चे इस दुनिया में शुभ अवसर पर पैदा हों। बता दें कि ये दोनों महिलाएं शहर के निवाया रोड के मछली मंडी चौराहे के पास न्यू अमर प्रवास मेडिकल सेंटर में भर्ती हैं। दोनों स्वस्थ हैं, जिनका इलाज चल रहा है। संवाददाता मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। डिलीवरी कल ही हो हम चाहते हैं। क्यों, कल ऐसा क्या है जो आप कह रही हैं कल ही डिलीवरी हो? भगवान श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं इसकी वजह से। बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं आप? हम ककरई बाजार से आए हैं। क्या नाम है आपका? लाली। मीट रही हैं आप कल? हम चाहते हैं हमारी डिलीवरी 22 जनवरी को हो। ऐसा क्यों, ऐसा क्या है? क्योंकि भगवान 22 जनवरी को उनका प्रसाद प्रतिष्ठा होगी तो हमारी आशीर्वाद उनको मिलेगी हमारी। अच्छा, दिन नहीं? नहीं। अच्छा, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। क्या क्या सोचते हैं? कि हमारे घर राम पर राम आ रहे हैं तो हम उनके आशीर्वाद से हम बहुत खुश हैं, हमारी डिलीवरी कल हो। क्या नाम आपका? लाली। मेडिकल सेंटर है हमारे यहाँ, दो गर्भवती एडमिट हुई हैं और वो लोग चाह रहे हैं कि मेरी डिलीवरी कल हो। जब ऐसा क्यों? डिलीवरी का समय उनका तो आज ही है, लेकिन वो लोग चाह रहे हैं कि मेरी डिलीवरी कल हो, क्योंकि कल प्राण प्रतिष्ठा है श्री रामचंद्र जी का। वो लोग सोच रहे हैं कि कल ही मेरी डिलीवरी हो तो ज़्यादा ठीक है, हमारे बच्चे भी आएँ कल की डेट में। वो लोग सोच रहे हैं कि मेरी डिलीवरी कल ही हो, कल बहुत बड़ा दिन है, पूरे मनाया जा रहा है। बच्चों के बाद ऐसी खुशी मिली है, हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे यहाँ तो भंडारे का आयोजन किया गया।